हमें याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने, एक इंटीग्रेटेड कैंपस शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, इसका माध्यम बने, बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर। यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी, और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है? प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्य पैदा करके देश को, देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? इन लोगों ने जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे? इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय है न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, और ये चाहते हैं कि गरीबी, एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं।